की सातोना में चल रहे एक ग्रुप में बाबा साहेब पर अपशब्द में टिप्पणी कर लोगों में भेदभाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा था कि बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा है वह बाबा साहेब अत्याचारी है, ऐसे अपशब्द का उपयोग कर टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी को लेकर भंडारा जिले का माहौल गरमाया हुआ है। इस प्रकरण में टिप्पणी करने वाले ग्रुप के ग्रुप एडमिन और अपशब्द में टिप्पणी कर पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं भंडारा पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी जांच के आदेश दिए और अपशब्द में टिप्पणी कर पोस्ट वायरल करने वाले आरोपी को वर्टी पुलिस ने रातों रात गिरफ्तार किया। यह पोस्ट जिस ग्रुप में वायरल हुई और जिन लोगों ने इस पोस्ट को आगे वायरल किया उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी मांग भीमसेना ने की है। शुक्रवार की है, तो रजत नाम का लड़का है, रजत सेलोकर 21 साल का लड़का है। उसने एक पोस्ट डाली है कि डॉक्टर अभी संविधान बलात्कारी लिखेंगे क्या, ऐसी एक पोस्ट डाली है उसने, मराठी में डाला है। तो इसके चलते जो जितना भी बहुजन समाज है या फिर रास्ते पे उतरा है कि ऐसी वाहियात बातें कोई एक ऐसा अच्छा इंसान पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता जिसने वो तरीके से बात करी है। और उसको मेरे ख्याल से उसने ये पोस्ट बजरंग दल सातोना करके ग्रुप है उसमें डाला है। और हमने इसके हिसाब से एक निवेदन दिया है उनको कि आप एडमिन को और उस वो जो पोस्ट को जिन्होंने फॉरवर्ड किए उन सबको अरेस्ट करिए, उनके ऊपर कार्रवाई किए। और इसमें से ये जो रजत नाम का लड़का है इसके ऊपर एट्रासिटी एक्ट लगाए चुके हैं। अब देखते हैं प्रशासन क्या बोलता है उनके बारे में। तो फिर भीम आर्मी की टीम भंडारा जिला बंद करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं दिखे और इसका उनको भुगतना पड़ेगा जो हम करेंगे, उनको देखना ही पड़ेगा इस बात। भंडारा जिले में एक गांव है सातोना, उस गांव में किसी एक संगठन ने, हिंदुत्ववादी संगठन है, वहां का एक कार्यकर्ता जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द में एक पोस्ट लिखी, इसमें हमारी भावनाएं आहत हुई। हमारी क्यों, हमारे पूरे देश पूरे भारतवर्ष की भावनाएं आहत होना चाहिए। उन्होंने पूरे लफ्जों का इस्तेमाल किया, उस लफ्जों में इस्तेमाल ये है कि बलात्कारी अब इसके बाद में संविधान लिखेंगे या फिर बलात्कारी ने संविधान लिखा है। कमाल है भाई, ये संविधान के भरोसे तुम इतना बोल सकते हो, उसी संविधान को इस तरीके से आपने भूलना। और वो संविधान जिसने हमारे बाप ने अपने खून से सींचा है, वो संविधान इस संविधान से पूरा देश चलता है। और वही संविधान जो बोलने वाले की हजारों पीढ़ियां और आने वाले हजारों पीढ़ियां उस संविधान के भरोसे जी रही है, इंसान करके उसने इस व्यवस्था ने स्वीकारा है। वो लड़का इस तरीके से अगर बात करेगा तो जैसा हमारे साथी ने कहा कि हम चुप कैसे बैठेंगे, तो ये हमारा हमारे इस मूवमेंट का सवाल नहीं है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के संविधान पे जिन जिन लोगों की आस्था है उसका सवाल है। और इस तरीके से जो भी कोई इस तरीके से बात करेगा उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।